Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। आप सभी को पता है कि आज जो है देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, खुशखबरी यह है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की जो मांग उठाई गई थी, खास करके अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा, या फिर अगर हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की मांग की थी, फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये फैसला दिया है कि अब जो सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो अब सुशांत मामले की जांच मुंबई जाकर करेगी। इसको लेकर जिस तरीके से मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, उनको आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि आपको सारे दस्तावेज और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े जितने भी अहम सुराग और जितने भी लोगों से पूछताछ हुई थी, लोगों से जानकारी हुई थी और इनके जितने भी एविडेंस, जितने भी गवाह हैं, वो सारे जो हैं सीबीआई को पेश किया जाए और इसको लेकर कहीं भी कोई भी मामला चलेगा, कहीं भी लोग कुछ भी फायर दर्ज करते हैं तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट निगरानी नहीं रखेगा। और ये स्पष्ट तौर पे बता दिया गया है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो सीबीआई की जांच करेगी ही, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया था और इसको लेकर देश में बहुत सारे बवाल कट रहे थे। लगातार कई सारी ऐसे चीज़ आ रही थी, अगर उनके पिता की बात करें या फिर सुशांत सिंह राजपूत की बहनों की बात करें, तो वो लगातार ये कह रही थी कि वो जो है मुंबई पुलिस के जो जाँच है, जो जिस तरीके से वो जाँच कर रही है उन पर हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। और इसी को लेकर जो है उनके पिता के सिंह ने पटना में FIR दर्ज किया था। उसके बाद से बिहार पुलिस जब वहाँ जाँच के लिए पहुँची तो जो उनके ऑफिसर जो अधिकारी थे वो जांच नहीं कर पाए और इसी के चलते वहां पर बहुत सारे मुश्किलों का लोगों को सामना करना पड़ा और इसी के चलते वहां पर बहुत सारा ऐसा दबाव बनाया गया जिसको लेकर जो है वहां पर IPS अधिकारी जो गए थे विनय तिवारी, उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया था। और इसी से लोगों के अंदर एक अलग सा सवाल उत्पन्न हुआ कि आखिरकार ऐसा हमारे पुलिसकर्मी के साथ क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं जाँच की जा रही है अच्छे तरीके से। और इसको लेकर मन में सवाल आ रहा था कि क्या पता मुंबई पुलिस हो या फिर महाराष्ट्र की सरकार हो, वो लगातार जो है सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को बचाने के प्रयास में हैं। और इसी को अनुसंधान करते हुए, इसी विषय को मद्देनजर रखते हुए, खास करके अगर हम बात करें के सिंह की, तो वो याचिका दर्ज कराए थे और इसके बाद नीतीश कुमार के सजेशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दे दिया है। और अब आगे देखने वाला दिलचस्प बात होगा कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, CBI कहां तक पहुंचती है और इसमें मेन आरोपी कौन है, उसको कब तक खोजती है। लेकिन हमारे देश की जो जनसंख्या है वो लगभग सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो सुसाइड मामला हुआ था उसके लिए वो कहीं ना कहीं जानना चाहती है कि ये मामला क्या है, क्या सुसाइड है या फिर मर्डर हत्या है। इसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल आ रहे थे। लेकिन जैसे ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये मिला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप जांच कीजिए सुशांत सिंह राजपूत को, उसको लेकर तीन लोगों की जो मुश्किलें बढ़ी है और तीन लोग इस फैसले से जो नाराज हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहली चीज है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार के बारे में आप सबको पता है कि शुरू से ही जो उनके नेता हैं संजय राउत जी, वो लगातार बिहार पर, उनके पिता पर, बिहार के DGP पर लगातार आरोप लगा रहे थे कि ऐसा ऐसा ऐसा, बहुत सारे ऐसे आरोप लगा रहे थे जो कि मनगढ़ंत बातें थी और इसको लेकर पॉलिटिकल जो मोड़ था वो भी सामने आ गया था। बिहार के नेता भी उन पर आरोप लगा रहे थे, बिहार के लगातार कह रहे थे कि आप इनमें मिले हुए, आपकी गवर्नमेंट मिली हुई है। और इसी को लेकर जो है संजय राउत ने इस प्रकार का बयान दिया है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती CBI को इग्नोर करना चाहते थे और वो चाहते थे, वो कहते थे कि मुंबई पुलिस स्पष्ट तरीके से इसकी जाँच कर रही है और हमारी सरकार के नेतृत्व में मुंबई पुलिस जो है वो सही तरीके से काम कर रही है और ये मामला जो है मुंबई पुलिस को ही होना चाहिए, पूरे मामले की जाँच मुंबई पुलिस को ही करना चाहिए। लेकिन अब जो है उनके मंसूबे पर पानी फिर गया है। तो मुझे लगता है कि सबसे जो दुख की बात है वो है संजय रावत और शिवसेना गवर्नमेंट, यानी कि जो NCP शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस है मुंबई और महाराष्ट्र में, उनको सरकार को एक बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं अगर कहा सकता था सदमा पहुंचा है, क्योंकि ये मामला अब जो है CBI को पहुंच गया है जो कि सरकार वहां की CBI को वहां पर नहीं पहुंचने देती थी। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई महाराष्ट्र पुलिस। अब देखिए संदेह के घेरे हैं, लोगों को लग रहा है कि स्पष्ट तरीके से जांच नहीं हो रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल और बहुत सारे ऐसे गैजेट हैं जो कि मुंबई पुलिस अभी तक नहीं सौंप पाई है और ना ही उसके एविडेंस के तौर पर लोगों को दिखाई है।
तो लोगों के माइंड में ये परसेप्शन जाता है कि मुंबई जो यानी कि महाराष्ट्र जो पुलिस है वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही थी और कहीं ना कहीं मामला को साठ गांठ कर उसको बचाव करने की कोशिश कर रही थी। और इसको लेकर अब जो मामला जो है अब सीबीआई को पहुंच गया है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र पुलिस को एक बहुत बड़ा झटका है। और जब सीबीआई उनसे एविडेंस के तौर पर जो मांग करेगी, अगर उस मांग को सही तरीके से महाराष्ट्र पुलिस नहीं सौंपती है तो ये महाराष्ट्र पुलिस की जो परसेप्शन जो छवि है वो पूरे देश में किस तरीके से एक्सपोज होगी और किस तरीके से जाए इसका अनुमान आप बखूबी लगा सकते हैं। अगर उनके खिलाफ जो चीजें हुई है यानी कि जो महाराष्ट्र पुलिस ने जांच की है अगर उसके अगेंस्ट में उसके अपोजिट में अगर सीबीआई जांच करके कुछ चीजों को इकट्ठा कर पाती है तो उनकी परसेप्शन और महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस की क्या वहां पर परसेप्शन और पूरे देश की नजर में क्या उनकी मानसिकता नजर आएगी ये बखूबी आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो इसको बताने वाली जरूरत नहीं है। तीसरा जो सबसे ज्यादा दुख का मामला है और सबसे ज्यादा जो दुख हुआ है वो हुआ है रिया चक्रवर्ती को। और देखिए ये जो केस है सारा का मामला जो है ईडी से लेकर अगर हम पैसे लेन देन की बात करें 15 करोड़ की बात करें उनकी गर्लफ्रेंड लाइक यू नो एवरीथिंग रिलेशन ये प्रकार की चीज़ें जो है रिया चक्रवर्ती को लेकर चली रही थी। और सबसे ज़्यादा जो कैमरा फोकस्ड है और सबसे ज़्यादा जो कहने का मतलब है कि चर्चा में आ रहा है कि ये कल्प्रिट हो सकती हैं उसको लेकर जो नाम शामिल है वो नाम है रिया चक्रवर्ती का। और रिया चक्रवर्ती पर ही सबकी नज़र बनी हुई है। तो रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया था, लेकिन जब ये उनके पिता बिहार में मामला दर्ज किए तो वो उनको इग्नोर करने लगे। वो बोली कि बिहार पुलिस का जो मामला है वो कहीं कहीं महाराष्ट्र में होना चाहिए और इसी को लेकर जो है रिया चक्रवर्ती लगातार जो है संदेह के घेरे में आ रही थी और इसी को लेकर रिया चक्रवर्ती का नाम भी काफ़ी ज़्यादा उछाला जा रहा था। वहीं रिया चक्रवर्ती जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रही थी लेकिन जब बिहार पुलिस में ये केस फाइल हुआ तो उसको लेकर वहाँ पर जो परसेप्शन बनी वो आप बखूबी जानते होंगे देखते होंगे। लेकिन जब ये मामला सामने आया है सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई दे दिया है तो इनको मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दुख होगा। तो मुझे लगा कि आप सभी को बता देना चाहिए क्योंकि पूरा देश चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो दोषी है सुशांत सिंह राजपूत को जिन्होंने मारा है या फिर जो भी किया है उनकी एक एक करके जांच होनी चाहिए और उनको जो है पूरे अच्छे तरीके से उनकी जांच होनी चाहिए और लोगों को विश्वास भरोसा जिस तरीके से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे होता है तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कुछ दिन के बाद सीबीआई जो है सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर हर एक दोषियों को पकड़ेगी और उनके खिलाफ जो भी सजा होगी उनको दिलवाने में सक्षम हो पाएगी। तो ये तीन लोग थे जो कि सुसाइड मामले को लेकर सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट ने जब दे दिया है तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा महसूस जो है तकलीफ हो रही होगी क्योंकि अगर सीबीआई जांच करती है कल्प्रिट पाए जाते हैं तो इसमें महाराष्ट्र सरकार भी घेरे में आएगी रिया चक्रवर्ती भी घेरे में आएगी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र पुलिस की तो वो भी इसके घेरे में आएगी और क्यों आएगी ये बखूबी आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और आप भी इस मामले को अगर देखते होंगे समझते होंगे तो आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ भी गई होगी। ठीक है तो आप अपने विचार को जरूर प्रकट कीजिए कमेंट बॉक्स में धकाधक मारिए कमेंट बताइए कि रिया चक्रवर्ती ही असली कल्प्रिट है या फिर सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई सरकार यानी कि महाराष्ट्र सरकार जो है इस संदेह के घेरे में है। ठीक है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।